हेलो दोस्तों, ये है मेरी दोस्त आयशा। और मैं आपको बता दूं, आयशा बहुत इंटेलिजेंट भी है। राहुल, तुम भी बहुत इंटेलिजेंट हो, पर तुम्हें दूसरों के मुंह से तारीफ सुनना ज्यादा पसंद है। लेकिन हाँ, इस बार फिजिक्स में मेरे तुमसे ज्यादा मार्क्स आए थे। हाँ, तभी तो इस वाले टॉपिक की तैयारी मैंने तुम्हारे साथ मिलके की है। तो आज के टॉपिक का नाम क्या है राहुल? आज के टॉपिक का नाम है अपवर्तन, जिसे इंग्लिश में रिफ्रेक्शन भी कहते हैं। अच्छा, तो अब तक तुम अपने दोस्तों को क्या क्या जानकारी दे चुके हो? हमने अब तक प्रकाश और परावर्तन के बारे में जाना, और किस तरह प्रकाश की किरणें विभिन्न बिंब पर गिरकर परावर्तित होती हैं। लेकिन आयशा, मेरे मन में कई बार कुछ सवाल उठते हैं। जैसे कि यदि वे बिंब अपारदर्शी ना होकर के पारदर्शी हो तो क्या होगा? क्या तब भी प्रकाश परावर्तित होगा? क्या तब भी परावर्तन के नियम लागू होंगे? क्या तब भी किरणें सीधी रेखा से ही चलेंगी? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों पर तो चर्चा करेंगे और एक नई घटना अपवर्तन या रिफ्रैक्शन के बारे में जानेंगे। अपवर्तन को समझने के लिए हम एक बहुत दिलचस्प एक्टिविटी करके देखेंगे, जिसे हम अपने घर पर भी कर सकते हैं। इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें एक कम गहरे कटोरे, एक सिक्के और पानी की आवश्यकता होगी। अब मैं इस सिक्के को खाली कटोरे के अंदर डाल देती हूँ। राहुल, क्या तुम्हें सिक्का दिखाई दे रहा है? हाँ, दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छे राहुल, अब तुम धीरे धीरे अपनी जगह से पीछे की ओर जाओ, तब तक जब तक सिक्का दिखाई देना बंद ना हो जाए। क्या अब भी तुम्हें सिक्का दिखाई दे रहा है? नहीं, अब नहीं दिखाई दे रहा। अब मैं इस कटोरे में सिक्के को बिना हिलाए पानी डालूंगी। क्या तुम्हें कोई फर्क नजर आ रहा है राहुल? हाँ, अब मुझे सिक्का दिखाई देने लगा है। मगर आयशा, ये कैसे संभव है? ये बिल्कुल संभव है, और इसको हम अपवर्तन के नाम से जानते हैं। प्रकाश की किरणें सिक्के पर पड़ने के बाद परावर्तित होकर तुम्हारी आंखों पर गिर रही थी, लेकिन जब मैंने इस कटोरे को पानी से भर दिया, तब किरणें परावर्तित ना होकर बल्कि अपवर्तित होकर तुम्हारी आंखों पर पड़ी, जिस कारण सिक्का दिखाई देने लग गया। तो क्या प्रकाश ने अपवर्तित होने के बाद अपना रास्ता बदला? बिल्कुल ठीक समझे, लेकिन इसे और गहराई से समझने के लिए हमें आयताकार कांच की स्लैब की मदद लेनी पड़ेगी। अपवर्तन को आयताकार कांच की स्लैब से समझने के लिए हमें एक स्लैब, एक सफेद शीट और चार आलपिन की आवश्यकता होगी। स्लैब को कागज पर रख एक रूपरेखा बना लेते हैं, जो आगे हमारी मदद करेगी। इस रूपरेखा के एक तरफ दो आलपिन तिरछी दिशा में लगाए। इन दोनों आलपिन के प्रतिबिंब को स्लैब की दूसरी ओर से देखने की कोशिश करें। पिन के प्रतिबिंब की ही दिशा में तीसरी पिन लगाते हुए चौथी और आखिरी पिन को भी लगा दे कि प्रतिबिंब और ये दोनों एक ही सीधी रेखा पर आती प्रतीत हो। कागज से स्लैब को हटा दिया जाए और चारों पिन को भी। पहले दो पिन के निशान को पेंसिल से मार्क करते हुए एक रेखा खींचे, जो स्लैब की रूपरेखा से ओ पर मिले। यही प्रक्रिया दूसरी तरफ से भी करें और इस बिंदु को ओ डैश का नाम दें। ओ और ओ डैश पर दो लंबवत बनाएं। रेखाओं और लंबवत के बीच के कोण को नाम दें आपतन कोण और निर्गमन कोण। यह परावर्तन कोण न बनकर अपवर्तन कोण बनेगा। अब ओ से एक सीधी रेखा खींची जाए। यदि ओ और ओ डैश को जोड़ा जाए तो प्रतिबिंब की तरह सीधी रेखा ना बनकर एक डिफ्लेक्शन नजर आएगा। प्रकाश के विभिन्न पारदर्शी माध्यम में रास्ता बदलने की प्रक्रिया को ही हम अपवर्तन या रिफ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। अपवर्तन दो नियमों के अनुसार होता है। पहला, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और पारदर्शी पृष्ठ पर लंबवत तीनों एक ही तल पर आपतित बिंदु पर ही मिलते हैं। दूसरा, प्रकाश के किसी भी निश्चित रंग एवं निश्चित माध्यमों के जोड़े के लिए आपतन कोण का साइन और अपवर्तन कोण का साइन का अनुपात स्थिर होता है, और इस नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्नेल का नियम। इस अनुपात के स्थिरांक को अपवर्तनांक या इंग्लिश में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। किन्हीं दो माध्यमों में होने वाले दिशा परिवर्तन के विस्तार को अपवर्तनांक से दर्शाया जा सकता है। इसके साथ साथ अपवर्तनांक को विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की रिलेटिव चालों से भी दर्शाया जा सकता है।
यदि प्रकाश माध्यम एक से दो में जा रहा हो और पहले माध्यम में प्रकाश की चाल V1 है और दूसरे में V2 हो, तब माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक को माध्यम एक में प्रकाश की चाल तथा माध्यम दो में प्रकाश की चाल के अनुपात के रूप में दर्शाया जा सकता है, जिसे हम N21 से दर्शाते हैं। इसी प्रकार माध्यम एक का माध्यम दो के सापेक्ष अपवर्तनांक N12 से दिखाया जा सकता है। यदि माध्यम एक वायु या निर्वात है तो अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक या एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कहा जाता है, जिसे सरल भाषा में हम अपवर्तनांक भी कहते हैं। निर्वात एवं वायु सबसे विरल माध्यम माने जाते हैं, साथ दूसरे माध्यम को सघन माध्यम कहा जाता है। कुछ माध्यमों के अपवर्तनांक को इस टेबल में देखा जा सकता है। क्या बात है आयशा, तुमने तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझाया। मुझे पता नहीं था तुम इतनी अच्छी टीचर भी हो। ठीक समझे राहुल, मैं आगे जाकर टीचर ही बनना चाहती हूँ। अच्छा, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू राहुल। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।